अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है बच्चे, हम लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर में काइंड्स और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो था वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जो था वो पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनके जो है वो थ्री डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन जो कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट काइंड थी उसकी जो सब हेडिंग्स थी वो हम लोगों ने वन बाय वन जो थी वो डिस्कस की थी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी जो कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट जो टाइप्स हैं, वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट की जो डिफरेंट जो है वो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी बच्चे कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो सिक्स डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, जिसमें जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल एग्रीमेंट है, इन अन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है एंड वाइड एग्रीमेंट्स हैं। ये जो डिफरेंट जो है वो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, ये हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है इसको डिस्कस करेंगे, और वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें कौन कौन से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट शामिल होते हैं और कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समटाइम्स वाइड हो जाते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू जो वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट के जो दो टाइप्स हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ हो इसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बच्चे डिस्कस किया था असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड है तो उसमें जो 10 असेंशियल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनका फुलफिल होना जरूरी है। अगर वो 10 के 10 असेंशियल्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। वो जो डिफरेंट जो 10 असेंशियल्स थे उनमें जो है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस शामिल था, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी था, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जो है वो भी चेक करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, फ्री कॉन्सेंट का होना जरूरी है पार्टीज के, और जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, यानी कि जो मीनिंग है जो जिस जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए दोनों पार्टीज को, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना भी जरूरी है, कोई भी ऐसा काम जो कि इम्पॉसिबल हो परफॉर्म करना वो भी जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फिर शामिल नहीं होगा। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि वाइड हो या फिर इलीगल हो, और लीगल फॉर्मेलिटीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है वो फुलफिल होने चाहिए। अगर ये 10 के 10 जो है वो क्वालिटीज असेंशियल्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो फुलफिल हो रही है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था, फ्री कॉन्सेंट भी इन डिटेल मैंने आप लोगों से जो था वो डिस्कस किया था, और जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ये सारी की सारी कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अगर हम एक एग्जाम्पल शेयर करें आपके साथ, तो अगर जो है वो दो पार्टीज हैं, एक का नाम जो है वो एक्स है और दूसरे का नाम जो है वो वाई है, दोनों के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो किया गया है उसमें सारे के सारे जो 10 असेंशियल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, यानी कि ऑफर भी हुई, वैलिड एक्सेप्टेंस भी उसकी हुई, फ्री कॉन्सेंट है दोनों पार्टीज का, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, इनफोर्सेबल बाय लॉ है, लीगल ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज फुलफिल कर रही हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जो है वो भी मौजूद है, कॉन्सेंट जो है वो भी फ्री है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी है। तो इस किस्म के जितने भी 10 असेंशियल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे अगर वो 10 के 10 असेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं, वो सारे के सारे
फीचर्स जो हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो फुलफिल हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड समझा जाएगा, लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी फीचर, कोई एक भी एसेंशियल पॉइंट जो है वो मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट वन बच्चे जो टाइप है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी वो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ जो है वो होता है जब उसकी जो है फॉर्मेशन की जाती है, यानी कि दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उस वक्त तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन बाद में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा। अब जो है वो अनइनफोर्सेबल होने की जो है वो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अभी डिस्कस करूंगी। तो अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जब वो किया गया था उस वक्त तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब वैलिड नहीं रहा, वो इनफोर्सेबल बाय लॉ जो है वो नहीं रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाएगा। तो बच्चे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट किन किन रीजन की वजह से बन सकता है, अब इसमें जो है वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी जो है वो शामिल है कि समटाइम्स जो है वो ऐसा होता है कि आप लोग जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल होती है, लेकिन बाद में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहता। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब वो किया गया था उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल थी, लेकिन बाद में उसको जो है परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा, इम्पॉसिबल हो गई है उसकी परफॉर्मेंस, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और ये किस रीजन की वजह से बना है? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं आप लोगों के साथ अगर जो है वो एक एग्जांपल शेयर करती हूँ कि अगर जो है वो ए एक पर्सन है और एक पर्सन जो है वो बी है। ठीक हो गया। अब उसने जो है वो ए ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ कि उसकी डॉटर के साथ जो है वो शादी करेगा, लेकिन जो है वो एक मंथ के बाद ही जो है वो ए की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि वो पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ही जो है वो अब जिंदा नहीं रहा। यहाँ पे अगर सपोज करें कि डॉटर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं होगा उसको परफॉर्म करना। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक फार्मर है, एक किसान है, ठीक है, उसने जो है वो लोन लिया है किसी दूसरे पर्सन के साथ, अपने किसी रिलेटिव से ही लोन लिया है, और इसने कहा है जैसे ही मेरी फसल जो है वो पककर तैयार होगी तो मेरी फसल जो है वो सारी की सारी तुम ले लेना, लेकिन फिलहाल मुझे जो है वो लोन की अमाउंट दे दो। लेकिन इन फ्यूचर जो है वो उसकी फसल जब जो है वो पककर तैयार होती है, लेकिन वो जो है वो फसल जो है वो तबाह हो जाती है, आप अगर फ्लड आ जाए या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश हो जिसकी वजह से उसकी फसल जो है वो ख़राब हो गई है, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल नहीं रही, क्योंकि अब उसकी फसल जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस वक्त तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं रही। ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि जब उसको जो है वो किया जाए उस वक्त तो उसकी पॉसिबिलिटी हो परफॉर्मेंस की, लेकिन उसको परफॉर्म किया जा सकता हो, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से उसकी जो है वो परफॉर्मेंस पॉसिबल ना रहे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो बजे टाइप है वाइट कॉन्ट्रैक्ट की वो है सबसीक्वेंट इलीगैलिटी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है तो उस वक्त तो वो लॉफुल था, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो लॉ की जो टर्म्स हैं, जो कंडीशन हैं, उनको फुलफिल किया गया था, लेकिन बाद में जो है वो लॉ में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर किसी कंट्री का एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो चेंज हो जाता है और जो न्यू लॉ बनता है उसके अकॉर्डिंगली जो आप लोगों ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो अब अनलॉफुल जो है वो बन गया है, तो इस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड बन जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था जब किया गया था, लेकिन बाद में जो है वो लॉ के चेंज होने की वजह से चूंकि अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड बन जाएगा। लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल है, एक्स एग्रीज टू सेल 50 बैग्स ऑफ शुगर टू वाई। एक्स ने अब बच्चे एग्रीमेंट किया है कि वो 50 बैग जो है वो सेल आउट कर देगा वाई को। बिफोर डिलीवरी द गवर्नमेंट बैन्स द ट्रेड ऑफ द शुगर लोकली, लेकिन डिलीवरी से पहले ही गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लोकली जो शुगर ट्रेड हो रही है, शुगर की जो तजारत हो रही है, उसको बैन कर दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्स और वाई के दरमियान जो है वो वाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो जब किया
किया गया था उस वक्त तो वो वैलिड था, उस वक्त तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना जो था वो लॉफुल था, लेकिन बाद में चूंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो अब जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करना, और जो है वो अब जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा, वो लॉफुल नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो लॉ चेंज कर दिया है, अब लोकली जो है शुगर ट्रेड नहीं हो सकती। तो ये जो है वो सबसिक्वेंट इलीगैलिटी है कि लॉ का चेंज होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसके चेंज होने की वजह से जो है वो न्यू लॉ के अकॉर्डिंगली वो कॉन्ट्रैक्ट अब अनलॉफुल हो गया है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन है रिजेक्शन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी रिजेक्शन हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाता है। बच्चे अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी एक पार्टी का कॉन्सेंट जो है वो फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होता है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ कॉशियन जो है वो डिस्कस किया था, फ्री कॉन्सेंट वाला जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कॉशियन है जोर जबरदस्ती है, किसी से गन पॉइंट पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है तो उस पर्सन की जो है वो फिर मर्जी है कि गन पॉइंट पर वो उस टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर हो गया, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना या फिर परफॉर्म ना करना उसकी अपनी मर्जी होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसकी विल के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिस पर्सन से जोर जबरदस्ती जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है। तो अगर वो पर्सन जो है वो बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहता, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की रिजेक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड बन जाएगा। इफ द पार्टी हुज कॉन्सेंट इज नॉट फ्री इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिजेक्शन सच वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। इसी तरह बच्चे हम लोगों ने फ्री कॉन्सेंट की जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस किया था, मिस्टेक को भी डिस्कस किया था, इसके अलावा हम लोगों ने फ्रॉड को भी डिस्कस किया था और जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी डिस्कस किया था। तो इन सब केसेस में जो है वो जिस पार्टी का कॉन्सेंट फ्री नहीं होता, जिसने जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए किसी दूसरी पार्टी को मजबूर किया है, तो जिस पार्टी को मजबूर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, उसकी जो है वो विल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता है या नहीं, या फिर जिस पर्सन के साथ जो है फ्रॉड किया जा रहा है, ठीक है, तो जिस पर्सन को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसके साथ फ्रॉड करके, उसकी भी विल पे डिपेंड करता है कि अगर उसको सारी हकीकत का पता चल जाए तो क्या वो बाद में भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता है या नहीं। तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और अगर जो पार्टी जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं है, जिसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जो है वो उससे कोई ऐसा काम करवाया जा रहा है जो कि वो करना नहीं चाहता, तो वो जो है वो अगर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड बन जाता है। लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर आप लोगों की बुक्स पर मौजूद है, एग्जाम्पल में है कि ऑन गन पॉइंट बी फोर्सेस ए टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू बी, यानी कि गन पॉइंट पर बी एक पर्सन है, उसने फोर्स किया है दूसरे पर्सन ए को कि अपनी प्रॉपर्टी सारी की सारी किसको सेल कर दे, बी को। ए एग्रीज बट आफ्टर सम डेज ए रिफ्यूजेस टू डू सो, ए जो है वो उस टाइम तो एग्री हो गया क्योंकि गन पॉइंट पर उसे एग्रीमेंट करवाया जा रहा था, उस टाइम तो वो मान गया कि ठीक है मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो बी को सेल कर दूंगा, लेकिन बाद में जो है वो ए जो है वो मुकर जाता है, वो रिफ्यूज कर देता है, वो इनकार कर देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बी को जो है वो सेल नहीं करेगा। द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी बिकम्स वाइड, अब ए और बी के दरमियान जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था वो वाइड हो गया, पहले वो वॉइडेबल था लेकिन जो है वो इनकार के बाद वो वाइड बन जाएगा। नेक्स्ट वन बच्चे हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट, तो बच्चे समटाइम्स जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर, ठीक है, वो जो है वो फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग या फिर जो है वो नॉन हैपनिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम जो है वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी का भी नाम देते हैं, जो कि किसी जो है वो फ्यूचर इवेंट की अक्रेंस या फिर नॉन अक्रेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बच्चे वाइड हो जाता है जब वो इवेंट जो है वो अकर नहीं होता, ठीक हो गया। इसके अगर मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं तो जो है वो दो पर्सन है, यहाँ पर भी एक पर्सन का नाम ए है और दूसरे पर्सन का नाम जो है वो बी है। ए ने प्रॉमिस किया है बी से कि ए जो है वो बी को 10,000 रुपीज जो है वो देगा अगर जो है वो
बी का एडमिशन हो जाता है हेलो कॉलेज में, लेकिन जो है वो बी जो है वो फेल हो गया ऐसा करने में, यानी कि बी का एडमिशन नहीं हो सका हेलो कॉलेज में, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉमिस है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी वॉइड बन जाएगा, यानी कि अब ए जो है वो भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा, क्योंकि फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना कि अगर उसका एडमिशन हो जाता है तो, लेकिन अगर वो एडमिशन नहीं करवा सका अपना हेलो कॉलेज में, तो फिर जो ए है उसने जो प्रॉमिस किया है वो भी अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि जिस इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था उनका एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इवेंट जो है वो फुलफिल नहीं हुआ। तो बच्चे ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी है वाइट कॉन्ट्रैक्ट की, कि जो कौन कौन से डिफरेंट रीजंस हैं, जिसमें हम लोगों ने फोर रीजंस को डिस्कस किया। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि समटाइम्स आप लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम तो उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल होती है, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जो है वो पॉसिबल नहीं रहता। इसी तरह जो है वो समटाइम्स सबसीक्वेंट इलीगैलिटी की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम तो वो लॉफुल होता है, लेकिन बाद में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में चेंज होने की वजह से, एग्जिस्टिंग लॉ के चेंज होना जाने की वजह से वो ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिर इलीगल हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है। रिजेक्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाता है, यानी कि एक पार्टी के ऊपर जब डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी विल के अकॉर्डिंगली अगर वो एक्सेप्ट करे तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिजेक्ट करना चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो अगर वो पार्टी जिसकी विल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, अगर वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देती है वो पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन हम लोगों ने डिस्कस किया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट। तो समटाइम्स हमने डिस्कस किया आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है किसी फ्यूचर इवेंट की अक्रेंस या फिर नॉन अक्रेंस के ऊपर। अगर वो फ्यूचर इवेंट जो है वो अकर होता है या फिर नहीं अकर होता, तो उसकी वजह से भी आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स को डिस्कस किया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं जिसमें जो है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शामिल, जिसमें जो है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है, इसके अलावा जो है वो इलीगल एग्रीमेंट जो है वो भी शामिल है, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है और वाइड एग्रीमेंट भी शामिल है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को बच्चे किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, किसी पॉइंट में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आपको लेक्चर्स की समझ नहीं आ रही, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स अपने जितने भी जो है वो लेक्चर से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं वो जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं।